आरती मोहनपुरकर दीदी एसोसिएट प्रोफेसर है MIT औरंगाबाद, मतलब जो छत्रपति संभाजीनगर के नाम से भी जाना जाता है महाराष्ट्र में। दीदी बहुत सारे ऑफलाइन वर्कशॉप्स में भी ऑब्जर्वर के रूप में अपनी भागीदारी को निभा चुकी है। तो दीदी आपका स्वागत है, ओवर टू यू। जी भैया धन्यवाद। नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर आरती मोहनपुरकर, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, छत्रपति संभाजीनगर में कंप्यूटर डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे हूँ और फर्स्ट ईयर में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी निभा रही हूँ। मैंने अपना फर्स्ट UHV ऑनलाइन FDP फेब्रुवरी 2021 में किया। उसके बाद कुछ देर बाद मैंने मॉर्निंग मीटिंग्स ज्वाइन की विनय भैया के बताने पर। तो तब से मैं जुड़ी हूँ और मैं आगे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी, जिसकी वजह से मैं इस कंटेंट से बहुत अच्छे से जुड़ पाई और बहुत सहजता से मुझे ये स्वीकार हुआ। फिर 3 दिन का एक FDP था जिसमें मैं ऑब्जर्वर करके गई और एक हाल ही में एक MDP हुआ हमारी संस्था में, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ। और उसके बाद मैं मॉर्निंग मीटिंग्स से फिर से जुड़ गई। बीच के समय किसी कारण से मैं वो नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी फिर से मॉर्निंग मीटिंग्स से जुड़ गई हूँ। मेरे पति भी इसी संस्था में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। एक बेटी है जो MA साइकोलॉजी का फाइनल ईयर की एग्जाम अभी दे रही है, SP कॉलेज पुणे में है, उसकी अभी एग्जाम भी है। और एक बेटा है जो 7th क्लास में जाएगा। मेरे ससुर जी ने 2023 फरवरी में अपना इस जीवन की शरीर यात्रा को विराम दिया। वे विपश्यी साधक थे, उन्होंने अपने में काफी परिमार्जन किया था। और घर में पति, बेटा और सासू माँ हम लोग साथ में रहते हैं। एक ननंद है, शादीशुदा है, पूना में अपने परिवार के साथ और 2 बच्चों के साथ रहती है। सासू माँ ने रिटायरमेंट के बाद से ही अपने आप को अच्छी तरह से व्यस्त रखा है। उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है मेरी और उनकी नातियों की मदद से, जो वो अब खुद संभालती है। संत कथा माला, मना से श्लोक, इस तरह का एक उनका कंटेंट है। मेरा मायका इसी शहर में है। पिताजी पहले फैब्रिकेशन यूनिट चलाते थे, लेकिन स्वास्थ्य की कुछ कठिनाइयों के उपरांत वे मेरी माँ के साथ शिक्षा के कार्य में जुड़ गए। मेरी माताजी कोचिंग क्लास 5वीं से 12वीं तक इस तरह से चलाया करती थी, जिसमें मेरे पिताजी उन्हें सहयोग देते थे। और 200-300 बच्चे और 20-22 टीचर, इस तरह से पूरा कार्यक्रम था। मिलजुल कर रहने का संस्कार मुझे अपने पेरेंट्स से मिला। मेरे भैया भाभी भी शिक्षा के क्षेत्र में ही अच्छा कार्य काम कर रहे हैं। उनका एक बेटा है जो 5वीं में जाएगा। अभ्यास 1 व 2 की समझ के बारे में अगर कुछ कहना चाहूँ तो अभ्यास 1 में जैसे सजगता के बारे में हम कहते हैं, तो 18 साल की उम्र से लेके 2011 तक 4 10 दिवसीय शिविर मैंने किए। मेरे भाई ने मुझे उस इसके लिए प्रेरणा दी थी। और बचपन से ही मैं देख पा रही हूँ कि मेरा लगाव आध्यात्मिक तथा आध्यात्मिक ताकि और रहा है। और जैसे TV भी मैं देखती थी बचपन में, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट देख लिया, लेकिन बाद में जैसे तब आसाराम बापू या फिर कुछ ऐसे संतों के जो कार्यक्रम आते थे उनमें ही मेरा मन लगता था। और ये देख पाती हूँ कि अगर मुझे किसी ने ऑप्शन दिया कि 10 दिन है आपके पास, आपको किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट में जुड़ना है या बस घूमने जाना है, तो अभी भी मैं और मतलब काफी बचपन से मैं ये देख पाती हूँ कि मैं वो स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाना ज्यादा पसंद करती थी। और जैसे हैप्पी थॉट, आर्ट ऑफ लिविंग और ब्रह्म कुमारी के संपर्क में आई शिवानी दीदी
तथा सूरज भैया, इनको बहुत सुनती थी। उसका समय समय पर इससे मिले ज्ञान से बहुत लाभ होता गया। सजगता और संवेदनाओं को देखने का काम सतत करती रही, लेकिन प्रतिक्रियाएं होती थी। संवेदना देखने तक ठीक था, लेकिन आगे क्या करना है उसका उसको ये कभी कभी समझ में नहीं आता था। और विक्टिम मेंटालिटी को अब मैं देख पाती हूँ कि मैं काफी समय मतलब अब तक विक्टिम मेंटालिटी में रही हूँ। ऐसे लगता है था कि मतलब लोग इस तरह का बर्ताव करके उनकी लोगों की वजह से मेरी परेशानी है, या फिर ये बदल जाए तो मतलब आराम आएगा, या फिर इनका स्वभाव बदल जाएगा तो जीवन बेहतर होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह से लगता था, और ऐसे लगता था कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, मैं सबमिसिव हूँ, तो लोग मुझे डोमिनेट करते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की भावनाएं मुझ में बचपन से ही थी, और वैसे मेरा सबमिसिव नेचर था ही, लेकिन ये सब मैं सोचती थी, क्योंकि तब तो सही समझ इतनी भी नहीं डेवलप हुई थी कि मैं सही अर्थ समझ पाऊँ। अब अपने भाव का मूल्यांकन कर सहज स्वीकार्य सहज स्वीकार्य है। और स्टेप टू को देखा जाए तो है स्वीकार्य है या नहीं, नहीं है या नहीं, देख ये नहीं देख पाती हूँ। इस क्षण मुझ में जो भाव विचार चल रहा है उस भाव के साथ मैं आराम में हूँ, ये देख पाती हूँ। अपना रिमोट अपने हाथ में ही रखना है, ये अब मुझे समझ आया है, और इसके लिए मैं सतत प्रयास करती हूँ। स्टेप 5 को देखा जाए तो सही समझ के आधार पर निर्णय लेना है, यह मैंने ठान लिया है, और इस वजह से काफी मैं परिमार्जन देख पा रही हूँ। इससे मुझे संबंधों में काफी लाभ हुआ है। अपनी ननंद भैया भाभी, इनसे जो मनमुटाव बना था उसमें मैं अपनी तरफ से पहल कर चुकी हूँ। सामने से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, आराम में रह पा रही हूँ, और संबंध का निर्वाह करना मेरी जिम्मेदारी है, ये समझ कर मैं आगे बढ़ रही हूँ। उमेश भैया, विनय भैया और अपराजिता दीदी से मार्गदर्शन पाकर मैं अपने पति के प्रति विचार और भाव बदलते देख पा रही हूँ। उनकी अच्छाइयाँ मैं पहले भी देख पाती थी, लेकिन उनके कुछ गलत व्यवहारों से मैं आहत होती थी। अब इसको इसमें थोड़ा आराम आया है। बच्चों के प्रति निर्वाह में मैं सटीकता से ध्यान दे रही हूँ। स्टेप 6 देखा जाए तो संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व का भाव सहज स्वीकार्य है, ये मैं देख पा रही हूँ। घर के संबंध के भाव घर के बाहर संबंध के भाव को मैं पहले से देख पाती थी। बचपन से ही सबमिसिव रही हूँ और सर्वसमावेशक, ऐसा मेरा स्वभाव रहा है, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया विक्टिम मेंटालिटी में भी रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छी व्यक्ति हूँ, लेकिन कंटेंट से जुड़ने से मैं गहराई में देख पा रही हूँ और परिमार्जन होता हुआ दिख रहा है। मुझे अभी पता चल रहा है कि मैं अपने आप को अच्छा समझती थी, लेकिन मुझ में भी कुछ ऐसी गलत आदतें थी जिसमें मैं दूसरों के प्रति विरोध का भाव रखती थी। जो सामने दिखाया मैंने मतलब रिएक्शंस नहीं दिए, लेकिन अपने मन के स्तर पर मैं देख पा रही हूँ कि मैंने काफी ओपोजिशन अपने अंदर रखा था, विरोध का भाव रखा था, जो अब मैं देख पा रही हूँ। और अब मुझे लगता है कि जैसे समझ बढ़ रही है तो ये विरोध के भाव पर मैं काम करूंगी, तो अंदर से साफ होकर मैं सुख में रह पाऊंगी। हर क्षण स्टेप 7 को देखा जाए तो हर क्षण संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव नहीं रख पाती, लेकिन प्रयास चल रहा है। लेकिन जब जब इस तरह का भाव रहता है अपने आप को आराम में पाती हूँ। संबंधों में कौन कितना गलत था ये न सोचते हुए मैंने क्षमा याचना का निर्णय लिया और आराम में हूँ। सभी की
चाहना एक दूसरे को सुखी करना ही है और खुद सुखी रहना ही है, ये समझ में आने से विरोध का भाव बहुत कम हुआ है। और इसी सोच और संबंध के भाव के साथ रहूं तो निरंतर सुखी और संबंध पूर्वक समृद्धि के भाव के साथ जी पाऊंगी, ऐसी आश्वस्ति बनी है। अभ्यास दो को देखा जाए तो मैं चैतन्य हूँ और शरीर है, यह दोनों अलग शरीर, ये दोनों अलग वास्तविकताएं हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ये समझ में आ रहा है। शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं लेती हूँ, ये भी मैं समझ पा रही हूँ। मैं संवेदना से दूर हूँ, मैं और संवेदना एक नहीं है, मैं और शरीर के बीच दूरी है, इसको मैं सूचना की तौर पर जान गई हूँ, लेकिन अभी उसे एक्सपीरियंस करना है। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, इसमें मैं बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देती हूँ, तो इस तरह से हो पा रहा है। बाह्य परिस्थिति का शरीर का प्रभाव तथा मेरा निर्वाह प्रतिक्रिया पूर्वक, मैं अपने संस्कार के साथ जोड़कर उसका अर्थ निकालती हूँ, और ज्यादा प्रभावित ना हो इसके लिए जिम्मेदारी लेती हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं संवेदना को पढ़ पाती हूँ और निश्चित भाव रखने की कोशिश करती हूँ। मेरा स्टेप 7 को जाए तो मेरा होना शून्य का के सहअस्तित्व में है, और शरीर मेरे लिए एक उपयोगी साधन है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन अभी सही उपयोग करने की समझ नहीं बनी है। अभी भी संवेदनाओं के पीछे जाती हूँ, थोड़ा शरीर के साथ, शरीर पर थोड़ा अत्याचार होता है, ये देख पाती हूँ। और पहली बार जब मॉर्निंग मीटिंग में, मतलब इस मॉर्निंग मीटिंग में मैं शून्य के बारे में जब पहली बार सुना तो जैसे बम सा पड़ गया, और मतलब मेरी अपेक्षा बस मतलब मेरी अपेक्षा के बाहर था ये कि हम शून्य के बारे में भी पढ़ने वाले हैं या फिर उसके बारे में भी जानने वाले हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा आश्चर्य बोल सकते हैं या फिर शौक सा था कि बाप रे अभी शून्य के लेवल तक हम बढ़ने वाले हैं और इसे हमें समझना है और इसे, लेकिन अब पहली बार सुनते हुए वैसे लगा, लेकिन बाद में समझ आया कि अगर ये समझेंगे तभी सही अर्थ से जीवन में परिमार्जन होगा। इसके उपरांत पति और बेटे में जब भाव बिगड़ता है उसमें मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, इसका मुझे खेद होता है और ऐसे लगता है कि मैंने अपने में इतना परिमार्जन करना है, इतनी समझ बढ़ानी है कि मैं उनको उन्हें अपनी समझ बढ़ाने में सहाय कर सकूं। नए कपड़े खरीदने का एक्साइटमेंट एकदम कम हुआ है, उसमें बहुत ही फर्क पड़ गया है कि बहुत, जब तक बहुत जरूरी नहीं है तब तक मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाती हूँ। दूसरों से प्रशंसा पाने का भाव एकदम कम हुआ है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे अच्छा बोले या बुरा, तो इसमें काफी हद तक मैं अपनी समझ को बढ़ा पाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझ में इतना परिमार्जन हो कि मेरे बच्चे इस कंटेंट के प्रति आकर्षित हो और उनका जीवन भी प्रभावित हो, न कि मेरे बच्चे, मेरे विद्यार्थी भी आकर्षित हो। मैं फिलहाल एक डिवीजन को पढ़ा रही हूँ जो ऐसा, मतलब वहाँ सिविल ब्रांच के बच्चे हैं, अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें हमारे संस्था में सिविल ब्रांच के बच्चे मतलब सबसे कम स्कोर वाले बच्चे हैं, और उनका ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं है,
ऐसा नहीं बोल सकते कि वो उनका हो सकता है उनका आईक्यू किसी हद तक कम हो, लेकिन जैसे देखा जाए तो ईक्यू तो हर एक का अलग अलग होता है, वो कोई मार्क्स से दिख भी नहीं आता है। मुझे मैं देख पाती हूँ कि बच्चे हर बच्चे में उतनी क्वालिटी है, कुछ ना कुछ ये बच्चा जरूर अपनी जिंदगी में करेगा, लेकिन अभी उनका ध्यान मतलब उन्हें महत्व नहीं समझ में आता है कि इंजीनियरिंग को एडमिशन मिला है तो उन्होंने किस तरह से उसके लिए प्रयास करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने चाहिए ताकि आगे की कुछ उपलब्धियां हो, लेकिन अभी वे समझ नहीं पाते। तो पहले मुझे मतलब अगर ये समझ मेरे में नहीं होती तो हो सकता है मैं उन पर गुस्सा करती या खुद फ्रस्ट्रेट हो जाती, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि मुझे एक कंपैशन का भाव उनके प्रति होता है, और मैं उनको अपील करती हूँ कि आप कितना भी चाहो मैं मेरी तरफ से अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगी, आपको मैं ये इंश्योर करूंगी कि आप अच्छे मार्क्स भी ले और आपकी समझ भी बढ़े इसके लिए। और मैं देख पाती हूँ कि बच्चे बहुत अच्छे से जुड़ पा रहे हैं, और जो बच्चे थोड़े पढ़ने वाले हैं उनमें जिन्होंने सिविल ब्रांच अपनी चॉइस से लिया है वे आईक्यू वाइज भी थोड़े अच्छे हैं, तो वो तो मेरे केबिन में आकर मुझे डिफिकल्टीज पूछकर उन्होंने पिछली एग्जाम से इस एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो मैं समाधानित हो रही हूँ कि जैसे 70 बच्चों में से अगर 20-25 बच्चे भी थोड़ा बहुत समझ पाए और अपने में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर पाए तो मुझे लगता है ये भी मेरे लिए काफी है, लेकिन क्योंकि बाकी कुछ बच्चे हैं उनका अटेंडेंस की ओर भी ध्यान नहीं है, वो अगर आते ही नहीं है तो मुझे वही चिंता होती है कि अगर ये आएंगे ही नहीं तो मैं उनसे कैसे जुड़ पाऊंगी। उसके लिए भी मैं कुछ अलग कोशिश करना चाहती हूँ, मैं मतलब अगले साल से कुछ अलग प्रोग्राम इसके लिए बनाऊंगी कि ताकि बच्चे जुड़े रहे, और जुड़े रहेंगे तो हम उनसे संवाद कर पाएंगे, उनसे कुछ शेयर कर पाएंगे तो उनमें परिमार्जन भी होगा। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, ये मैं सोच मतलब ये समझ पा रही हूँ कि अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा तो मैं भागीदारी का समय भी बढ़ा पाऊंगी, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाना चाहती हूँ, और कमिटमेंट अगर देखा जाए तो मॉर्निंग मीटिंग 2 घंटे सुबह, वीकली मीटिंग सैटरडे और संडे की, वैसे ही मंथली मीटिंग मैं अटेंड करती हूँ, और टीम डेवलपमेंट की मीटिंग भी ज़्यादातर अटेंड करने की कोशिश करती हूँ जो बुधवार के दिन होती है, और MIT मतलब हमारी संस्था में जो UHV सेल है उसमें कन्वेनर का पद मुझे मिला है, कन्वेनर की जिम्मेदारी मुझे मिली है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ विनय भैया के मार्गदर्शन से कि हम लोग जो हमारे डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव्स उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं तो पहले उन्हें इस कंटेंट से अच्छे से जोड़ पाए ताकि वे अपने आप को तैयार करें आगे हमारे संस्था में UHV 2 का कोर्स आ रहा है, जैसे जून जुलाई में वो शुरू हो जाएगा, तो उसके पहले अगर कुछ लोग तैयार हो जाए तो सभी के लिए आसानी होगी, और UHV सेशन से जुड़े रहने से मैं देख पा रही हूँ कि एक तरह से जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि दिन में इतना समय अगर हम UHV के लिए दे रहे हैं तो वो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे आचरण में पूरी तरह से दिखे, ना ही दिखे बल्कि आ जाए, तो मुझे देखने वाले लोग प्रभावित हो, उन्हें UHV के प्रति कुतूहल और वो और वे भी UHV से जुड़े, और मैं परिवार में समाज में व्यवस्था के लिए मेरी भागीदारी हो पाए, यही मेरा जीवन लक्ष्य है, तो मैं उतना गहरा जाना चाहती हूँ, बल्कि
अभी मैं उतनी गहरे नहीं पहुंची हूँ ये मैं देख पा रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे और थोड़ा और स्टेप वाइज जाकर मैं इसमें अपनी समझ को बढ़ा पाऊँ। इसके लिए जैसे जैसे मैं और जुड़ रही हूँ तो मेरी ये इच्छा बहुत प्रबल हो रही है, और ऐसे लग रहा है कि मुझे और समय देना चाहिए, और या फिर मैं जितना समय देती हूँ उसको उसकी क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, उतना ध्यान मुझे इस कंटेंट के लिए देना है, ये मैं देख पा रही हूँ। जैसे मैंने बताया कुछ मतलब दिनचर्या में ऐसे दिख पा रहा है, या फिर ध्यान कंटेंट की ओर जाने से रिलेशनशिप्स में मुझे काफी बेनिफिट मिला, काफी आराम आया, काफी जिम्मेदारी मैं अपने रिलेशंस की ले पा रही हूँ। तो अभी ये भी मुझे ठीक लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि और जिम्मेदार होने की जरूरत है अपने शरीर के प्रति, उसके स्वास्थ्य के प्रति, और उसके लिए अच्छे से गाइडेंस लेकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, ताकि शरीर स्वस्थ रहे तो ये सब काम करने में और आसानी होगी, और लंबे समय तक मैं इस काम को कर पाऊंगी। रिटायरमेंट के बाद भागीदारी के बारे में मैं वो तो करूंगी, मतलब वो मैं सोच ही रही हूँ, उसको अभी काफी साल भी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब तक मैं जॉब कर रही हूँ और भगवान की दया से जॉब मेरा शिक्षा के क्षेत्र में है, जिसमें कई बच्चे अक्रॉस आते हैं, उन कई कलीग्स हैं मेरे, और बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ सामने आते हैं, तो उनसे संवाद करके उन्हें उनकी समझ बढ़ाने में अगर मैं कुछ अपना योगदान कर पाऊँ तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगी। और बस मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद। जी और मैं धन्यवाद। भैया एक ही मिनट, और मैं सारे को एक्सप्लोरर्स और हमारे जो मार्गदर्शक है कुमार भैया, शर्मिला दीदी, विनय भैया और गणेश सर, और सभी वॉलेंटियर्स जो अपनी अपना समय देकर हमें इस ये उपलब्धि दे रहे हैं, उनके लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद दीदी। अभी मैं तो कुमार भैया को आमंत्र करता हूँ कि भैया प्रशपाल दीदी और आरती दीदी के शेयरिंग के बारे में गाइड करें। दोनों ही शेयरिंग बढ़िया रही, आती भी नहीं, बहुत अच्छे से पूरी बात रखी। उन्होंने बिल्कुल मुझे लगता है लिख के भी रखा हुआ था, और बिंदुवार ढंग से रखा कि हस्बैंड के साथ कहाँ कहाँ चूक होती थी और कैसे मैंने ठीक किया, इन लॉज के साथ कैसे कैसे चूक होती थी कैसे मैंने ठीक किया, बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, अपने ऊपर जो काम करने की एक तत्परता है, कई जगह ऑब्जर्वर बन के गई हैं, टीम के साथ जुड़कर काम भी कर रही हैं। तो आरती दीदी का भी शेयरिंग बहुत ही अच्छा रहा। मुझे लगता है पिछले बैच में दीदी उतना रेगुलर नहीं रह पाई थी, क्यों आरती दीदी इस बार आप ज़्यादा रेगुलर रह पाई हैं, हाँ ऐसा है भैया, क्या? इस बार मैंने फेब्रुवरी से ज्वाइन किया और मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, और एक्चुअली वो जो समय होता है वो पूरी तैयारी का होता है, तो अब मैं देख पा रही हूँ कि मुझे पहले मतलब ये तो सुनने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कंटेंट को ऐसे पढ़कर रिवाइज करने की ज़रूरत है, ताकि मतलब जैसे मैं अभी शेयरिंग के कल मैंने अपना एक प्रेजेंटेशन रखा, तो उसके लिए जब तैयारी कर रही थी तो अब समझ में आया कि बहुत क्लैरिटी बढ़ रही है, तो मैं उस तरह से अभी जाने का मतलब प्लान जी बना रही हूँ। जी जी देखते हैं। बढ़िया रहेगा दीदी, हाँ जी हाँ तो बहुत। और और क्लैरिटी मुझे बढ़ेगी, मतलब ये शेयरिंग के वक्त जो सुनते हैं या फिर आप जो मार्गदर्शन करते हैं तो वो और अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है, और वो जो प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन से बहुत लाभ हो रहा है ये मैं देख पा रही हूँ, कल एक दिया। अच्छा बढ़िया। हाँ कोई हाँ डेमोस्ट्रेशन देना आप शुरू करें, कुछ हाँ और गति डेमोस्ट्रेशन रहेगी। दिया ये। जी भैया। जी और वेस्टर्न डीजे में तो काफी सारा काम है ही, आप हाँ और कहाँ कहाँ वॉलंटियरिंग कर रही हैं? अभी वीडियो एडिटिंग का भी अभी काम कर रही हैं क्या? नहीं, वीडियो एडिटिंग का नहीं, एक दो बार मॉडरेशन किया, मतलब वो नेशनल मीटिंग में संडे वाली, और बस मॉर्निंग मीटिंग करती हूँ, वीकली मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, ऐसे वॉलंटियरिंग ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं अभी।
अच्छा हाँ, उसको थोड़ा बढ़ाएं। हाँ सैटरडे आपका ऑफ रहता है या वर्किंग रहता है? वर्किंग रहता है हमारा, अच्छा और ये जो हमारा कॉलेज का समय है वो सुबह 7:30 से 3:15 तक होता है, तो ये मॉर्निंग मीटिंग्स को भी ऐसे बैठ कर वो जो एक्सरसाइजेस ऐसे पॉइंट वाइज लिख रहे हैं वगैरह ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो समय ही पूरा टिफिन बनाना, खुद को रेडी करना और जी। निकलना, तो उस वजह से बच्चे कितने उम्र के हैं आपके अभी? मेरी बेटी अभी MA सेकेंड ईयर की एग्जाम दे रही है और बेटा अभी 7th स्टैंडर्ड में जाएगा। अच्छा फिर हाँ तो जी तो बढ़िया अभी बढ़िया। बेटा बेटा छोटा है अभी वैसे। छोटा है अभी, आपको तो समय तो उधर आपको देना पड़ेगा। पर बहुत हाँ सुंदर बहुत सुंदर, आप इस सुबह के सत्र में अपने इसको अटेंड करते रहें, है ना, हाँ और डेमो सेशन कुछ और बढ़ाएं, और हाँ अपने भैया आप में जो पठन पाठन करना है उसको भी थोड़ा ठीक से करें तो और गति बन जाएगी। बहुत ही जी बढ़िया भैया, दीदी, शुभकामना, बधाई धन्यवाद आपको। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।